लेकिन इस बीच कुछ अगले हफ्ते के इवेंट्स पर नजर रखना भी जरूरी है। बाजार कैसे इवेंट्स पर रिएक्ट कर सकता है, समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी है, बताइए मानसी। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले हफ्ते में ढेर सारे नतीजे आने वाले हैं। एक लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर होगी, निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी कई कंपनियों के नंबर्स आएंगे। वहीं वायदा बाजार में एयू स्मॉल फाइनेंस, टीवीएस मोटर, एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। ट्रिगर्स की अगर बात करें, 26 अप्रैल के दिन सागर सीमेंट सब्सिडरी के मर्जर पर एक बोर्ड बैठक होगी। मैग्मा फिनकॉर्प ओपन ऑफर इस दिन बंद हो जाएगा, दाम 70 रुपए प्रति शेयर। आधार पूनावाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स इसमें कंट्रोलिंग हिस्सा लेगी। सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक की आखिरी तारीख होगी, दाम इसके 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। 27 अप्रैल यानी कि मंगलवार की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में अमेजॉन की अपील पर सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर नजर रहेगी। 28 अप्रैल का दिन फ्यूचर रिटेल और रिलायंस डील पर अगली सुनवाई होने वाली है, तो इस पर नजर रहेगी। साथ ही बीएमएल के जमीन बिक्री यानी कि असेट मोनेटाइजेशन के लिए 28 अप्रैल तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मंगवाए गए हैं। 28 अप्रैल के ही दिन कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र वाले रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। 29 अप्रैल के दिन अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी होगी, मंथ का आखिरी गुरुवार होगा, इसी के चलते एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी। एनएससी निफ्टी 50 के लॉट साइज में बदलाव करेगी, लॉट साइज 75 से 50 का कर दिया जाएगा। वहीं 40 शेयरों के लॉट साइज में भी बदलाव किया जाएगा। नेस्ले 25 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी ये। एंजल ब्रुकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। वहीं धनलक्ष्मी बैंक इक्विटी और राइट इश्यू के जरिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इस दिन यानी 29 अप्रैल के दिन जापान के बाजार बंद रहेंगे। और अंत में 30 अप्रैल एंजल ब्रोकिंग 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। और अंत में फ्यूचर ग्रुप की स्टे की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में 30 अप्रैल के दिन सुनवाई होने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो एक्शन पैक हफ्ता रहने वाला है पूरा, ट्रिगर्स कई सारे होंगे।